2018 से शुरू किया मैंने कि हाँ MTU में खेल हो रहे थे, मेरे भाई ने बुला लिया, उसमें मेरे 2 मेडल आ गए सेकंड। फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी, सुबह 4 बजे यूनिवर्सिटी में जाता हूँ और शाम को भी करता हूँ प्रैक्टिस, एक घंटा तो कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा लगातार। और तब से लेकर के मैं इंटरनेशनल मेडल, मेरे 4 तो गोल्ड मेडल हैं और 2 सिल्वर मेडल हैं, 1 ब्राउन है। ये इंटरनेशनल श्रीलंका में जीता था और यहाँ नेपाल में 2 बार जा चुके हूँ मैं। 4 मेडल अब की अभी लाया हूँ इसी में, इस महीने अभी 1 तारीख को ही हम यहाँ पहुँचे हैं। और वहाँ के बाद यूनिवर्सिटी में भी ये ग्रैपलिंग की, ऑल इंडिया की, ये हैं जी 200, 400, 800 और रिले रेस। मेरे मेडल मेरे ख्याल में होंगे 70 के आसपास हो गए होंगे 2018 से अब तक। बीच में 1 साल में गया नहीं क्योंकि इंदौर में मेरी नस खिंच गई थी, वरना ये मेरे ख्याल में 20-25 और बढ़ जाते 1 साल। तो मैडम को साथ ले लिया? हाँ मैडम को साथ ये लिया, प्रिंसिपल से ये गड्डी बोर से रिटायर हुई, खेड़ साहब से रिटायर हुई हैं तो इनकी मेरे से थोड़ी सी अच्छी हेल्दी है। मैंने सोचा अब ये आलसी हो जाएंगी और क्यों ना इनको साथ जोड़ लिया जाए, दोनों साथ घूमेंगे और सेहत भी अच्छी रहेगी। फिर इससे भी मैं बच्चे, छोटे बच्चे हैं जवान, वो देख कर प्रेरणा ले करके आगे मेडल लाएंगे, जो जो हम बचपन से ही मैं बनना चाहता था, लेकिन वो चोट लगी थी, हरियाणा चैंपियन और नेशनल तक रह गया आगे, लेकिन पहलवानी का मेरा शौक़ था। फिर दौड़ तो पहलवान के साथ साथ होती है, प्रैक्टिस की जैसे वेट घटाना है, वार्म अप होना है। तो अब फिर मैं लॉन्ग जंप भी करता था, लॉन्ग जंप में मेरे नेशनल के कई गोल्ड हैं, लेकिन अब कोचिकोडे हम गए हुए थे तो वहाँ बगैर वार्म अप किए हुए मैं कूद लिया तो 70 में थोड़ा झटका आ गया, उसके बाद मैंने लॉन्ग जंप छोड़ दिया। अब दौड़ और वॉक भी कर लेता हूँ कभी कभी, लेकिन मेरी मेन है 100, 200, 400। 100 में मैंने 3 साल तक तो हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, इन 3 स्टेटों में तो मेरा मुकाबला नहीं था। फिर ये 1 साल नस खिंच गई, वहाँ पंचकुला में एकदम भाग के आया, इतना अच्छा टाइम निकल गया तेरा, वो बहुत ज़्यादा थे उनसे भी कम निकल गया। मैं तो टाइम नोट करता ही नहीं, बोले प्रैक्टिस करते हो तो मैं कुछ नोट नहीं करता, अपनी तैयारी में लग जाते हैं सीधे। दोनों के हमारे 100 से ऊपर हो गया। जब किसी मतलब धैय होता है, परीक्षा होती है तो बच्चा पढ़ता है, इसीलिए मैं भी सोचती भी ये साहब भी हमारे कह देते अरे खेल आने हैं पढ़ी है मैं। फिर मैं जाती तो फिर नहीं उसमें मतलब ग्राउंड वर्षी वापस नहीं आती। मैं सुबह जो है ना हैरान रह जाओगे, कोई मुझे देखने वाला ही बता देगा आकर हाँ भैया कर है यूँ देख के, तो नहीं कहते हाँ कित एक आधी बोल भी दे, बोले मैडम आपसे तो आ गया हम निकल जाए। मैंने बोले भाई मैं आपसे कंपटीशन तो होश कहा निकल जाओ आप भी आओगे राउंड में अच्छी बात है, मेरे से ज़्यादा निकल जाओगे। वो फिर वो चली गई मेरे साथ ग्राउंड में, तो 2 राउंड तो लगाए न्यू तेज नहीं एक, बोले जी मारा तो पहले कमर में दर्द है तुम तो देखा तो इसी डीली डाली बता रुकती है नहीं, तो 5-6 राउंड में ऐसे लगाती थी। तो उस जाया पाछा मतलब 3 घंटा सुबह 2 घंटा मतलब 5-6 घंटा की तो मेरी वह वर्जिश रहा करती। अब मैंने जो है ना 1 अगस्त से
यो योगा ज्वाइन भी करते हैं। तो योगा में यूँ है सुबह प्राणायाम वगैरह तो कर लूँ, पर जो दोपहर को ये एक्सरसाइज करवाते हैं 3:30 वाली, मतलब आपको करके दिखाऊँ, हैरान रह जाओगे, आंगन पैर नीतन यूँ मतलब सारी में कर, टोटल तो 38-39 होंगे जी टोटल मेरे, मतलब क्योंकि 3 मेडल जो है ना वो भूल गई थी मैं, यहाँ वाले भी, ये नेपाल नेपाल इंटरनेशनल पोखरा पोखरा गए थे हम, ये तो 800 मीटर 1500 और 3000 की वॉक जिसमें घुटने नहीं,